हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म और जॉइंट डिपेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को प्रोजेक्टेड जॉइंट नॉर्मल फॉर्म या PJNF भी बोलते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करती है, ये बेस्ड है किस पे, जॉइंट डिपेंडेंसी के ऊपर। तो क्या डेफिनेशन है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म की? आ रिलेशन R इज इन फिफ्थ NF इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली। एक रिलेशन R आपका फिफ्थ NF में तभी होगा जब ये दोनों कंडीशन आपकी एक साथ सेटिस्फाई होंगी। पहली कंडीशन तो क्या है कि R इज़ ऑलरेडी इन 4NF, तो वो हमने पहले देख चुके हैं। और R 4NF में कब होगा? जब आपके रिलेशन में कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसका मतलब है देर शुड बी नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी इन रिलेशन R। दूसरा, इट कैन नॉट बी फर्दर नॉन लॉस डिकम्पोज्ड। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बेस्ड है आपका फिफ्थ NF में जॉइंट डिपेंडेंसी के ऊपर। ये क्या कहता है कि अगर एक रिलेशन को मैं फर्दर नॉन लॉस डिकम्पोज कर सकता हूँ तो वो फिफ्थ NF में नहीं होगा। फिफ्थ NF देखो इंडस्ट्री के अंदर प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा यूज़ नहीं होती, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है किसी भी रिलेशन के बारे में ये पता करना कि वो फर्दर नॉन लॉस डिकम्पोज हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें आपको सारे कॉम्बिनेशंस लेके चलने होते हैं। जैसे इसी टेबल के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, इस टेबल को हम तीन डिफरेंट टेबल्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। एक क्या बन सकता है रिलेशन? एजेंट कंपनी का। एक रिलेशन बन सकता है एजेंट प्रोडक्ट का, और एक रिलेशन बन सकता है आपका कंपनी प्रोडक्ट का। तो ऐसे ही अगर आपके पास बहुत बड़ी टेबल है जिसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो उसमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को हम सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ते हैं। अब देखो, इसमें जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है दैट इज जॉइंट डिपेंडेंसी, कि जॉइंट डिपेंडेंसी आखिरकार होती क्या है। सो लेट आर बी अ रिलेशन स्कीमा एंड आर वन आर टू अप टिल आर एन बी द डिकम्पोजिशन ऑफ आर, देन इज आर इज सेट टू सेटिस्फाई द जॉइंट डिपेंडेंसी स्टार आर वन आर टू इफ एंड ओनली इफ प्रोजेक्शन ऑफ आर वन नेचुरल जॉइंट विथ प्रोजेक्शन ऑफ आर टू नेचुरल ज्वाइन विद अपटिल नेचुरल ज्वाइन विद प्रोजेक्शन ऑफ आर एन दिस शुड बी इक्वल्स टू ओरिजिनल रिलेशन आर। इसका मतलब, ज्वाइन डिपेंडेंसी का मतलब क्या है? अगर हर इंडिविजुअल रिलेशन का प्रोजेक्शन को मैं ज्वाइन करता चलूं और एंड में मुझे एक ओरिजिनल रिलेशन आर मिल जाएगा, तो मैं कहूंगा कि मेरे रिलेशन के अंदर ज्वाइन डिपेंडेंसी है। मैं अपने रिलेशन को नॉन लॉस डिकम्पोज कर सकता हूँ इन एन नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है। और इसमें जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, सो इसमें हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ज्वाइन डजेंट मैटर। कि जो ऑर्डर है ज्वाइन का वो मैटर नहीं करता। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ जॉइंट डिपेंडेंसी इफ एंड ओनली इफ एवरी लीगल इंस्टेंस आर आर इज इक्वल टू जॉइन ऑफ इट्स प्रोजेक्शन ऑन आर वन आर टू एंड आर एन, जो यही चीज कह रहे हैं। अब देखो, एक हम क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हम जॉइंट डिपेंडेंसी के बारे में बताएंगे कि जॉइंट डिपेंडेंसी को चेक कैसे किया जाता है। अब एक ही रिलेशन है मेरे पास, एजेंट एक कॉलम है, कंपनी है, देन प्रोडक्ट है। अब इसमें कुछ रिडंडेंसी है। रिडंडेंसी क्या है? सबसे पहली बात तो इसमें सेम कंपनी के लिए एजेंट की दो बार वैल्यूज हैं। कंपनी C1 के लिए अमन की दो बार मैंने एंट्री कर रखी है, बट मैं एक एंट्री को नहीं हटा सकता विदाउट एनी लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर मैं इस एंट्री को हटा देता हूँ, इस वाली एंट्री को, तो मेरे को ये इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाएगी कि अमन माइक को भी सेल करता है, ठीक है। तो इसमें रिडंडेंसी तो है। अब रिडंडेंसी दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? जनरली हम अपनी टेबल को डिकम्पोज करते हैं। सपोज अब मैंने इस टेबल को डिकम्पोज कर दिया दो डिफरेंट टेबल्स में। पहली टेबल मैंने बनाई R1, जिसमें है एजेंट और कंपनी। दूसरी टेबल मैंने बनाई R2, और इसमें है मेरे पास एजेंट और प्रोडक्ट नेम। तो दो मैंने रिलेशंस बना लिए। अब मुझे देखो, इसमें अगर ये इन्फॉर्मेशन लेनी है कि कंपनी कौन सा प्रोडक्ट सेल करती है,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक नेचुरल ज्वाइंट परफॉर्म करना पड़ेगा R1 और R2 के बीच में, और अगर इनसे मुझे ओरिजिनल रिलेशन R मिल जाता तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें ज्वाइंट डिपेंडेंसी है। अब इसी में ही हम आगे देखते हैं, R3 भी एक रिलेशन बन सकता है। R3 क्या रिलेशन बन सकता है? R3 रिलेशन बन सकता है कंपनी और प्रोडक्ट का। सो फर्दर वी कैन से, ठीक है इन दोनों का जो ज्वाइन है वो R के बराबर नहीं आया, बट अगर तीनों का ज्वाइन R के बराबर आ जाता तो भी तो हमारा ये जो रिलेशन है वो ज्वाइन डिपेंडेंसी को सपोर्ट कर रहा है। अगर R1, R2 और R3 का नेचुरल ज्वाइन इक्वल्स टू R है, दैट मीन्स देर इज अ ज्वाइन डिपेंडेंसी एंड इट इज़ वॉयलेटिंग द कंसेप्ट ऑफ फिफ्थ NF, बिकॉज वी आर एबल टू डिकम्पोज द रिलेशन फर्दर विदाउट एनी लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो अब देखते हैं एक बार इसी टेबल को, जब हम फर्दर डिकम्पोज करेंगे कि हमें ओरिजिनल रिलेशन मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो ये हमारी तीन टेबल्स हैं जो वहाँ पे हमने डिकम्पोज करी थी, R1, R2 और R3। अब देखते हैं, सबसे पहले R1 को ज्वाइन करते हैं नेचुरल ज्वाइन R2 से। दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट क्या है? एजेंट, तो एजेंट के ऊपर ज्वाइन लगेगा। तो देखते हैं अमन की वैल्यू आएगी सी, अमन की वैल्यू आएगी इस वाले में तीनों प्रोडक्ट्स के लिए, तो अमन C1 पेन ड्राइव, ऐसे ही अमन C1 माइक, अगेन अमन C1 स्पीकर, ऐसे ही आगे लगाओगे आप अमन को C2 के लिए तो भी तीन बार वैल्यूज आएंगी। सो अमन C2 पेन ड्राइव, अमन C2 माइक एंड अमन अगेन एक बार और आएगा इसमें C2 स्पीकर, और एक बार आएगा मोहन के लिए कि मोहन C1 स्पीकर। अब इसमें अगर आप ओरिजिनल रिलेशन से चेक करोगे इस रिलेशन को जो ज्वाइन के बाद मिला है, तो आप देखोगे कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा टपल्स आए हैं। ओरिजिनल रिलेशन ये था हमारे पास अमन C1 पेन ड्राइव, तो ये वाला मेरे पास ठीक है, दिस इज करेक्ट। देन अगेन अमन C1 माइक, ठीक है, अमन C2 स्पीकर, ठीक है। सो अमन C2 स्पीकर को हम टिक करेंगे, बट ये जो वैल्यूज है मेरे पास, ये वाली और ये वाली, ये एक्स्ट्रा वैल्यूज आएंगे, जबकि ये वाली वैल्यू मेरी ठीक है। तो हमने देखा कि जब हमने R1 और R2 का नेचुरल ज्वाइन किया तो हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली, यानी लॉसी डिकम्पोजिशन हुआ। तो इसलिए इसमें इस वक्त हम कह सकते हैं कि इसको हम फर्दर नॉन लॉस डिकम्पोज नहीं कर सकते R1 R2 में। बट अगर मैं इसी के साथ अब R3 का ज्वाइन कर देता हूँ जो कि हमने यहाँ पर लिखा है, तो भी देखो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। C1 पेन ड्राइव के लिए ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट रहेगी, C1 माइक के लिए भी रहेगी क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है, C1 स्पीकर के लिए भी वैल्यू आपको मिलेगी। जो वैल्यू कैंसिल होगी वो क्या होगी? C2 पेन ड्राइव वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ये वाली रो हमारी हट जाएगी इसमें से, ऐसी C2 माइक वाली रो हट जाएगी, बट ये दो रोज हमें मिलेंगी। इसमें भी हमें क्या मिल रहा है? एक ही एक्स्ट्रा रो हमें मिल रही है। तो हम ये कह सकते हैं इस पूरे एग्जांपल में कि R1 नेचुरल ज्वाइन R2 नेचुरल ज्वाइन R3 इज नॉट इक्वल टू R, सो दैट मीन्स देर इज नो ज्वाइन डिपेंडेंसी इन दिस केस। सो व्हाट इज ज्वाइन डिपेंडेंसी रूल? इट होल्ड्स गुड इफ अ टेबल कैन बी रिट्रांसफॉर्म्ड बैक विदाउट एनी लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ज्वाइन ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड प्रोजेक्शंस ऑन इट। तो हम क्या कहेंगे कि ज्वाइन डिपेंडेंसी कब है? जब मैं सारे डिकम्पोजिशन से ओरिजिनल रिलेशन तक पहुंच जाऊं। बट क्योंकि इस वाले एग्जाम्पल में ऐसा नहीं था तो इसमें ज्वाइन डिपेंडेंसी नहीं है। तो आपको फिफ्थ NF के लिए क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द ज्वाइन डिपेंडेंसी इन अ टेबल एंड इफ इट एग्जिस्ट्स देन द टेबल इज नॉट इन 5NF। तो एक क्वेश्चन देखते हैं उसके ऊपर। अब
फिफ्थ एनएफ में, और इसके ऊपर एक ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, अ रिलेशन आर इज इन फिफ्थ एनएफ वेर विद रिस्पेक्ट टू अ सेट ऑफ एफ फंक्शनल मल्टीवैल्यूड एंड ज्वाइंट डिपेंडेंसी इफ फॉर एवरी नॉन ट्रिवियल ज्वाइंट डिपेंडेंसी दैट इज स्टार आर वन अप टिल आर एन इन एफ प्लस एवरी आर वन इज अ सुपर की ऑफ आर। तो अगर हर एक आर वन आपकी सुपर की आर की, तो हम कहेंगे कि वो फिफ्थ एन एफ में है। तो आइए चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है टेबल गिवन है और हमें पता करना है कि क्या टेबल ये फिफ्थ एन एफ के अंदर है। तो पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस टेबल को डिकम्पोज करना पड़ेगा और डिकम्पोज करने के बाद हमें चेक करना होगा कि वेदर देर इज़ अ ज्वाइंट डिपेंडेंसी और नॉट। तो आइए इसको एक बार डिकम्पोज करके देखते हैं। तो मैंने इनको फर्दर यहाँ पे डिकम्पोज कर दिया है, अब आइए चेक करते हैं। सबसे पहले लगाएंगे हम आर वन नेचुरल ज्वाइन आर टू के साथ। तो ज्वाइन किस पे लगेगा, पी नेम कॉमन है तो पी नेम के ऊपर ज्वाइन लगेगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे पी नेम स्किल और जॉब अमन स्किल डीबीए, और यहाँ से कौन सी वैल्यू आएगी, अमन की एक ही वैल्यू तो सिर्फ जे वन, ऐसी मोहन स्किल टेस्टर और यहाँ से सिर्फ एक ही वैल्यू है तो जे टू, ऐसी रोहन प्रोग्रामर और यहाँ से वैल्यू आएगी जे थ्री, देन सोहन एनालिस्ट और यहाँ से वैल्यू आएगी जे वन। अब इसको अगर मैं फर्दर नेचुरल ज्वाइन करता हूँ आर थ्री के साथ, तो आर थ्री में किस कौन कौन सी हैं, स्किल और जॉब, तो यहाँ पे स्किल और जॉब के ऊपर ज्वाइन लगेगा। तो बेसिकली इसमें होगा क्या, इसमें वो रोज हटनी चाहिए जो यहाँ पे मैच नहीं कर रही हैं। तो सबसे पहले ये डी बी जे वन को आप देख रहे हो कि मैच कर रही है, तो ये ऐसी ऐसी रहेगी। उसके बाद है टेस्टर जे टू, वो भी मैच कर रही है तो ये भी सही ऐसी रहेगी। देन प्रोग्रामर जे थ्री, वो भी मैच कर रही है तो वो भी ऐसी रहेगी। देन एनालिस्ट जे वन, वो भी मैच हो रही है तो ऐसी रहेगी। इसका मतलब आर वन नेचुरल ज्वाइन आर टू नेचुरल ज्वाइन आर थ्री हमें क्या मिला, ये मिला है। अब अगर हम इसे ओरिजिनल रिलेशन से देखते हैं तो आप देखोगे कि बिल्कुल हमें सेम मिला है, अमन डी बी जे वन, अमन डी बी जे वन, ऐसे ही आप देखोगे पूरा तो सेम मिला है। इसका मतलब हम इस रिलेशन को फर्दर नॉन लॉस डिकम्पोज करके ओरिजिनल रिलेशन आर तक आ सकते हैं। और हर इंडिविजुअल रिलेशन जो है उसकी जो की है, जैसे पी नेम स्किल, पी नेम जॉब एंड स्किल जॉब, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू, इट इज़ नॉट इक्वल टू की ऑफ आर। एक तो ज्वाइंट डिपेंडेंसी भी मिल गई और की वाला फैक्टर भी इसमें काम नहीं कर रहा है। दैट मीन्स दिस रिलेशन आर इज नॉट इन 5NF, क्योंकि एक तो इसमें ज्वाइंट डिपेंडेंसी आपको दिख रही है साफ साफ। सो दिस इज ऑल अबाउट फिफ्थ NF एंड मल्टी वैल्यूड ज्वाइंट डिपेंडेंसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।